सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ अनायसा ये कुछ लिपस्टिक हैक्स। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। एंड हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। सो जो फर्स्ट हैक है उसमें ये बताया है कि जो यू नो हम लिपस्टिक लगाते हैं वो हमारी बहुत ड्राई हो जाते हैं लिप्स, एंड वो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है लिप बाम एंड उसके साथ एक टूथब्रश लेना है। सो सबसे पहले हमें लिप बाम को लगा लेना है अपने लिप्स पे। तो वाइप आउट करने के बाद मेरे जो लिप्स है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं एंड स्किन भी काफी हट चुकी है। सो अब लगाते हैं हम लिपस्टिक एंड जो लिप्स है काफी मॉइस्चराइज हो चुकी है एंड काफी अच्छी लिपस्टिक लगी है एंड कोई क्रैक वगैरह नहीं आया। सो इसी के साथ हम ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट हैक। सो नेक्स्ट हैक में हमें क्या बताया है कि यू नो हम लिपस्टिक की कई बार शेप नहीं आती एंड कलर अच्छा नहीं आता, तो हमें उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें यू नो डार्कनेस कम करने के लिए फोटो के पास से हमें सबसे पहले फाउंडेशन लगा लेना है, अप्लाई कर लेना है एंड उसके बाद हमें लाइनर की हेल्प से, लिप लाइनर की हेल्प से फोटो को लाइन करके एंड फिर लिपस्टिक लगानी, तो वो काफी अच्छे से लगती है। सो मैं भी इस हैक को ट्राई करती हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ले लिया है के अराउंड, इसको लगा के कर लूंगी। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं लिप्स को लाइन करूंगी लिप लाइनर की हेल्प से एंड इसके बाद जो लिपस्टिक है वो मैं अप्लाई कर लूंगी, जिससे जो शेप होगी काफी अच्छी आ रही है बिकॉज हमने लिप्स को पहले लाइन कर लिया है, लाइन अप कर लिया है। एंड यार, किसी को यू नो लिपस्टिक लगाते वक्त प्रॉब्लम होती है या फिर हम किसी को लगाते तो प्रॉब्लम होती है, तो हम उससे पहले लिप लाइन करके काफी अच्छे से लिप्स की शेप आ जाती है। सो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट हैक ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट हैक क्या है कि ना हम लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम होठों को प्रेस कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है वो जो लिप्स होते हैं, वो जो लिपस्टिक होती है वो पैची हो जाती है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद उसको प्रेस नहीं करना है बिल्कुल, बिकॉज प्रेस करेंगे तो वो चिपक जाती है जिस वजह से वो पैची लगती है। सो हमें कुछ देर के लिए उसको छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर वो पैची ना हो। आपको दिखाती हूँ, अभी मेरी लिपस्टिक लगी हुई है एंड थोड़ी सी यू नो वेट है, तो ऐसे करके जो लिपस्टिक है वो चिपक रही है बहुत ज़्यादा होठों से, जिस वजह से वो पैची हो सकती है एंड हल्की हल्की हो भी रही है। तो मैं इसको पहले ड्राई होने दूंगी, अगर मैं इसको ड्राई होने दूंगी तो इससे क्या होगा, इससे जो लिपस्टिक होगी वो फैले मतलब पैची नहीं होगी एंड काफ़ी फ्लॉलेस लिपस्टिक लग जाएगी हमारी। सो इसी के साथ हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट हैक। नेक्स्ट हैक में बताया है कि हम यू नो लिपस्टिक सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा लेयर लगाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस वीडियो में बताया है कि हम एक लेयर जो लगाते हैं लिपस्टिक की, वही हिम्मत होती है कि हम जितनी ज़्यादा लेयर लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिप्स में वो पैची दिखेंगे एंड बहुत बेकार दिखेंगे। सो इसलिए हमें क्या करना है, सिंपल एक बार लिपस्टिक का मतलब ये लेना है एंड उसके वॉन्ड को थोड़ा सा साफ कर देना है एंड उसके बाद इसको अप्लाई कर लेना है एंड उसके बाद हमें ऐसे नहीं छोड़ना है इसको एंड उसके बाद हमें हाथों से डैब डैब करना है, जिससे जो एक्सेस लिपस्टिक होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। सो ये काफ़ी सही चीज़ है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जो लिपस्टिक होती है मुझे एक्सेस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, सो मैं उसको थोड़ा लाइट करने के लिए उसको लिप से डैब डैब कर लेती हूँ, जिससे वो थोड़ी जो एक्सेस लिपस्टिक होती है वो रिमूव हो जाती है। सो उससे जो हमारे लिप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लगते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं अपना लास्ट हैक। सो लास्ट हैक में ये बताया गया है, कोई भी टिश्यू पेपर लेते हैं एंड उससे हम अपने होठों को रगड़ने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे होठ सूज सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी, जस्ट कोकोनट ऑयल लेना है एंड उसको थोड़ा सा मसाज करके उसको रिमूव करना है। इन्होंने डायरेक्ट कॉटन पैड पे लेकर अप्लाई करा है, बट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं कोकोनट ऑयल को अपने हैंड पे लेकर एंड उसके बाद उसको थोड़ी सी मसाज करूँ 2 मिनट तक के लिए, जिससे क्या होगा जो लिपस्टिक होगी वो मेल्ट हो जाएगी एंड आसानी से रिमूव हो जाएगी, जिससे कोई भी लिप्स के ऊपर डैमेज नहीं होगा। क्या होता है, आसानी से हमारी लिपस्टिक जो दिया मेल्ट हो जाती है एंड उसके बाद जस्ट हम एक वाइप करते हैं एंड लिपस्टिक जो होती है वो रिमूव हो जाती है। सो उनका तरीका भी अच्छा है, बट मैं प्रेफर ज़्यादा ये करती हूँ कि मैं पहले कोकोनट ऑयल लेके उससे थोड़ी सी मसाज करूँ अपने लिप्स के ऊपर, उसके बाद बहुत इजीली लिपस्टिक जो होती है वो रिमूव हो जाती है, मैं रगड़ना नहीं पड़ता ज़रा सा भी। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय।